Next one again, calculating square of given number using C programs. Again, we are solving some small problems. In that case, till now we are using only arithmetic operator plus, but in that case, we are using multiplications. First of all, to perform or to display square of given number, we are having need of only single variables. In that case, again, we are requiring some variable declarations as previous steps. First step kya hai? Declaring all required variables. In this case, mein operations integers ke form mein perform kar rahe hain, isliye variables ka type ke liye integer. Agar aapko decimal types of operation perform karna, then we can take it as a float or double. In that case, how many variables are required? First of all, number. Agar aapko square perform karna, sabse pehle initially required kya hai, number. प्लस स्क्वायर परफॉर्म होने के बाद जनरेट किया सम रिजल्ट. रिजल्ट जनरेट करने के रिस्पेक्ट में रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड किया सम एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉल्ड एज रिजल्ट. इस केस में रिजल्ट डायरेक्टली भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल है, रिजल्ट सेपरेटली रिजल्ट वेरिएबल में असाइन करके अगेन डिस्प्ले करना पॉसिबल है. मल्टीपल भी होंगे इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले मेमोरी एलोकेट होगा टू वेरिएबल्स कॉल्ड एज नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक. और वी आर राइटिंग एज सिमिलर मैनर, सॉरी सिंपल मैनर्स, नंबर एंड रिजल्ट. इनिशियल वैल्यू ऑफ नंबर एंड रिजल्ट इज गार्बेज. नेक्स्ट वन, रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड. रिगार्डिंग इनपुट्स, वी आर डिस्प्लेइंग सम मैसेज एंटर नंबर, एंटर रिक्वायर्ड नंबर्स. नेक्स्ट वन, नंबर्स को रीड करने के लिए इनपुट्स में यूज क्या करोगे? इनपुट सीड कराने के लिए स्कैनफ फंक्शन, एड्रेस ऑफ नंबर. इनपुट वैल्यू रिक्वायर्ड किसके अंदर है? इनसाइड नंबर वैल्यू. हेयर सिंपली जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिस्प्ले क्या हो जाएगा? एंटर नंबर, एंटर नंबर आफ्टर देन एंटर किया है समथिंग फाइव, प्रेस किया फाइव. नाउ फाइव इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर, गार्बेज वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाई फाइव. नेक्स्ट वन, स्क्वायर जनरेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर्स. लेकिन इसका रिजल्ट किस में स्टोर कराएं? सेपरेट वेरिएबल कॉल्ड एज रिजल्ट. नाउ रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर. सिमिलरली अगर इसके इसमें क्यूब कैलकुलेट करना, तो क्यूब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? अगेन रिक्वायर्ड क्या होगा? सम अनदर वेरिएबल. इसके इसमें टू वेरिएबल्स यूज करा हूं, लाइक रिजल्ट वन और रिजल्ट टू. रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू. फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनिंग दिस रिजल्ट इन साइड वेरिएबल रिजल्ट वन, नेक्स्ट वन सेपरेटली रिजल्ट टू. रिजल्ट टू के केस में क्यू मीन्स मल्टीप्लाई देम थ्री टाइम्स, मीन्स नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर अगेन मल्टीप्लाई बाई नंबर. हाउ मेनी ऑपरेशन आर परफॉर्म इन दैट एक्सप्रेशन. इस केस में मल्टीप्लीकेशन कितनी बार परफॉर्म हो रहा है? वन टाइम्स और टू टाइम्स? टू टाइम्स, सिंस वी आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन. और इस ऑपरेशन का रिजल्ट ऑलरेडी किस में स्टोर? रिजल्ट वन में. इस प्लेस पर इसी स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव भी क्या यूज कर सकते हो? या तो आप डायरेक्टली नंबर को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करो, या फिर नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या कर सकते हैं? ना वैल्यू ऑफ रिजल्ट वन. दिस इज द अनदर वे ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. चेक देम, देयर आर थ्री, वी आर यूजिंग थ्री वेरिएबल्स टोटल्स, रिजल्ट वन, रिजल्ट टू एंड नंबर. इन फर्स्ट केस आफ्टर रीडिंग इनपुट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर? वैल्यू ऑफ नंबर इज फाइव. फाइव इसका रिजल्ट क्या आएगा? फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव, रिजल्ट बिकम्स 25. 25 इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट वन. नाउ रिजल्ट वन बिकम्स 25. नाउ दिस रिजल्ट वेरिएबल कंटेनिंग रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन. नेक्स्ट वन, रिजल्ट वन का ऑलरेडी वैल्यू क्या हो चुका है? 25. रिप्लेस इन प्लेस ऑफ रिजल्ट वन एज 25, देन वैल्यू ऑफ नंबर इज 5. नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम्स 125, असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट टू. रिजल्ट टू कंटेनिंग रिजल्ट अबाउट क्यू ऑपरेशन. नेक्स्ट, फाइनली डिस्प्ले वैल्यू ऑफ रिजल्ट वन एंड वैल्यू ऑफ रिजल्ट टू बाई यूजिंग सिंपली प्रिंट एफ.
square is percent d. Square का result किस place पर available? Inside variable result one. Therefore we are displaying value of result one. Result one की case में display क्या हो जाएगा? Like that operations square value of result one is percent d is replaced by value of result one which is 25. First of one 25. इस प्लेस पर यू इंसर्ट करा सकते हो एज अ स्लैश एन इन दैट प्लेस स्लैश एन देन चेंजिंग द लाइन नेक्स्ट लाइन में अगेन डिस्प्ले करा लेंगे रिजल्ट ऑफ क्यूब और क्यूब का रिजल्ट किस प्लेस पर स्टोर है इनसाइड रिजल्ट टू देन डिस्प्लेइंग क्यूब अगेन परसेंट डी वैल्यू ऑफ रिजल्ट वन और रिजल्ट टू देन क्लोज इट देन नेक्स्ट प्रिंट एप के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हो जाएगा स्पेस पर क्यूब वैल्यू ऑफ रिजल्ट टू इज 125 इन दैट प्लेस परसेंट इज रिप्लेस्ड बाय 125 क्लियर